नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, स्मार्ट कंप्यूटर सर्विस से एक फ्रेश बोर्ड आया है जिसका मॉडल नंबर है GA8811S। देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। तो गाइस, इस बोर्ड का प्रॉब्लम है, बोर्ड शॉर्ट है। कहाँ पे शॉर्ट है वो हम अभी चेक करेंगे, ठीक है। मतलब बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे स्पिन होकर बंद हो रहा है। तो चलो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप का क्या हो रहा है। उसने ऐसे ही बताया, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं बिना सीपीयू के ही चेक करता हूँ, ठीक है। अपना डिबग लगा लेता हूँ, बोर्ड पे स्टैंड बाय का ग्लो हो गया। अभी गाइस स्विचिंग करते हैं, ऐसे हिल के बंद हो गया। फिर से पावर ऑफ कर रहा हूँ गाइस, मतलब शॉर्ट है। तो हम एक काम करते हैं, पावर ऑफ करते हैं, वीआरएम को निकाल देते हैं इसे, ठीक है। वीआरएम पावर सप्लाई को अभी हम स्विच ऑन करके देखते हैं, स्विच ऑन होता है कि नहीं। स्विच ऑन होता है गाइस। इसका एक ही मतलब है कि बोर्ड पे वीआरएम सेक्शन पे शॉर्ट है। तो शॉर्ट को बहुत आसानी से हम रिमूव करेंगे। तो गाइस एक बात बता देता हूँ, 8161 में वीआरएम शॉर्ट है, इसका मतलब 100% उसका कोर आईसी गया है, 100%, और कोई भी मॉस्फेट गया है। तो एक बार देख लेते हैं शॉर्ट। हंड्रेड परसेंट शॉर्ट। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट रिमूव करेंगे अपना देसी शॉर्ट, हैंडमेड जो शॉर्ट किलर है उसी से, ठीक है। यहाँ पे कोई ना, जितने भी दो, एक दो तीन चार पाँच छः मॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट है, और उसके साथ मैं वीआरएम आईसी को भी रिप्लेस करूँगा, क्योंकि ये शॉर्ट होता है तभी मैक्सिमम, मतलब 99% या 95% कुछ भी बोलो, ये आईसी तभी शॉर्ट आता है जब ये खराब होता है, ठीक है। ये खराब होकर ही वो शॉर्ट करता है। तो हम देख लेते हैं, तो चलो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो इसका एक हिस्से का जो है, मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ ऐसे, और दूसरे से ये जो कनेक्टर है इसका पॉजिटिव पे लाइन दूंगा, ठीक है। और जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा इसमें वो हीट होगा। गाइस एक कंपोनेंट हीट हो रहा है, धुआं भी निकल गया, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वाला शॉर्ट है, ठीक है। गाइस अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा पेस्ट दे देता हूं। अभी जो शॉर्ट है वो पिघल जाएगा, आप अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, तो इन दोनों को ही रिमूव करूंगा, एक को नहीं करूंगा, दोनों को रिमूव कर दूंगा, चेंज कर लूंगा पूरा सेट को। इससे क्या होगा, बोर्ड अच्छा चलेगा। लेकिन सेट शायद मेरे पे होगा कि नहीं पता नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ गाइस एक सेट है, यहाँ पे एक सेट पड़ा हुआ है, उस सेट को मैं निकल के यहीं पे लगा दूंगा, ठीक है। तो चलो अपना शॉर्ट कलर का काम हो गया। अभी हम आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा वाला हीट हो रहा है। अभी ऑपरेशन के बारे, अभी ऑपरेशन करना है।
ये एक कंपोनेंट, दूसरा वाला ये। ये अपना दूसरा वाला, ये दो कंपोनेंट। गाइस आप लोग कह सकते हो कि एक शॉट है, दोनों को क्यों फेंक रहे हो। गाइस ये एक मतलब एक मेरा एक उसूल है, सेट में फेंक देता हूँ क्योंकि कमज़ोर हो जाता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए मैं पूरा सेट को ही चेंज कर देता हूँ और उसके साथ साथ इसको भी चेंज करूँगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं इस बोर्ड से उठा के वापस बिठा देता हूँ। ये दोनों हैं, इनमें से एक अच्छा भी होगा, ठीक है। तो इस बोर्ड से एक उठा के मैं यूज करता हूं। तो गाइस इससे मैं हटा के इससे निकाल लेता हूं, तो कंपोनेंट है ना, दो ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि ये जो 4 पिन कनेक्टर है पिघल ना जाए, क्योंकि वो बिल्कुल पास में है। ठीक है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। इस बोर्ड से छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा यार। एक ऐसे निकला तो दूसरे को भी निकालूंगा। दूसरे भी गाइस निकल गए। इस पे हम वापस इन दोनों को बिठाने वाले हैं, ठीक है।
एक को बिठा दिया, अभी दूसरे का बारी है। हाँ दूसरा भी गाइस बैठ गया। ये दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया, इसे हम बाद में साफ कर लेंगे, देखिए पता नहीं चलेगा। और ये कोर आईसी जो है ना, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कोर आईसी बिना खराब हुए भाई ये आईसी तो खराब होना, शॉर्ट होना तो पॉसिबल ही नहीं है बिना कोर आईसी खराब के। तो हम कोर आईसी को भी रिप्लेस करेंगे। कोर आईसी का इस निकल लिया, ये अपना कोर आईसी है, ठीक है। तो मेरे पास नया कोर आईसी है, ये रहा नया कोर आईसी, इससे एक हम और पे फिट कर देंगे। ये नया है, अब देख सकते हो। ठीक है, इसको हम फिट कर देंगे। दूसरा यहाँ पे रखते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रजन में इसको चुबा लेंगे। तो गाइस कोर आईसी को हमने बिठा दिया, तो अभी कोर आईसी का सही से कनेक्शन हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, उसके बाद बाकी का कार्रवाई। तो इसके लिए हमें इसे पहले साफ करना है और चेक करना है कि हर एक साइड का कनेक्शन जो है सही से हवा कि नहीं। आप देख सकते हो सिर्फ दो कनेक्शन नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है इस साइड का एक नहीं हुआ, एक कनेक्शन, और इस साइड का एक कनेक्शन मुझे लग रहा है नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसे हम आयरन से कर देंगे, मुझे लग रहा है नहीं हुआ या हुआ है पता नहीं चल रहा है, तो फिर भी हम आयरन से एक बार कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि रिस्क लेना नहीं है मुझे, नया इसे। पता नहीं हुआ है कनेक्शन कि नहीं,
चलो एक बार देखते हैं, पता नहीं कनेक्शन हुआ है कि नहीं। चलो समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है तो हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हो गया है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। ठीक है तो एक बार हम देखेंगे। तो भाई जैसा भी हुआ है चलो तो एक बार चेक करते हैं कि अपना काम बन रहा है कि नहीं। मुझे लगता है एक कनेक्शन ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गाइज मेरा फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया तो इसके लिए लाइट कम हो गया है। ठीक है पता नहीं कितनी देर और कैमरा चलेगा। दोनों कनेक्टर लगा दिया, इसको भी लगा दिया, एक बार चेक करते कि पावर ऑन होता है कि नहीं। ठीक है दोनों कनेक्टर के साथ अगर होता है तो सही है, नहीं तो और भी कुछ लोचा हो सकता है। पावर ऑन हो रहा है गाइज अभी, क्या बोलते हैं ना अपना प्रोसेसर देके देखते हैं कि अपना काम बनता है कि नहीं। हटियार ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फोन पे चार्ज नहीं है और बोर्ड को जल्दी से रेडी करना है, इसीलिए पावर ऑन किया, ऑन ओके ऑफ हुआ, देखता हूँ दोबारा स्टार्ट होता है कि नहीं। हंड्रेड परसेंट गाइस कोर आईसी का कनेक्शन सही से नहीं हुआ, फैन तो घूम रहा है लेकिन कनेक्शन 100% सही नहीं हुआ, तो कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पे। मुझे डाउट था लेकिन अभी कंफर्म हो गया कि कनेक्शन हुआ ही नहीं है। इस साइड का कनेक्शन हुआ है, इस साइड से भी बराबर हुआ, इस साइड का एक नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। चलो आयरन से दोबारा ट्राई करता हूँ। वे अच्छे से कनेक्शन बन जाए,
देख लेते हैं साफ करके कनेक्शन सही से बनाए कि नहीं। इस साइड का बराबर हो चुका है, इस साइड का अभी भी नहीं हुआ। सॉरी गाइस, बैटरी पे चार्ज नहीं था, अचानक फोन ही स्विच ऑफ हो गया, काज वहीं पे स्टॉप कर दिया। और अब देख सकते हो कि मैंने इस पे जो कनेक्शन सही से लगा नहीं था तो उस पे सही से कनेक्शन किया। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से बैठ गया है आईसी। कभी कभार होता है कि सही से हर पिन कनेक्शन नहीं होता, मतलब आईसी लगाने के बाद ना देखना पड़ता है कि सही से कनेक्शन हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मैंने सही से लगा दिया। अभी हम टेस्ट करेंगे कि बोर्ड का जो प्रॉब्लम था शॉर्ट के बाद जो ऑन ऑफ हो रहा था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन मैंने आईसी को रिप्लेस किया और कनेक्शन सही से नहीं बना था, जिसके कारण मुझे लगता है हो रहा था। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। जो शॉर्ट बोर्ड में कुछ खराबी होता नहीं है, जब शॉर्ट को रिमूव करो तो बोर्ड अपने आप स्टार्ट होने लगता है। तो गाइस पावर ऑन कर रहे हैं, देखते हैं कि बोर्ड पे स्विचिंग होता है कि नहीं। एक काम करते हैं, इसको रैम डाल देते हैं। अभी चेक करते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। एक मिनट, क्या हो रहा है? अच्छा गाइस, इसीलिए बोर्ड बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। भाई देखो मैं कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ, इसका 4 पिन कनेक्टर ही नहीं लगाया। बिना कनेक्टर के मैं चेक कर रहा हूँ भाई, भाई इतना बड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं, सॉरी गाइस। ठीक है, इसीलिए बोर्ड बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। ये देखो, इसे खोल के स्टार्ट किया, बंद हो गया। इसीलिए बोर्ड बार बार ऐसे हो रहा था, मैं भूल ही गया इसको कनेक्ट करने के लिए। तो गाइस चलो अभी पावर ऑन करते हैं और देखते हैं। तो गाइस सक्सेसफुली बोर्ड पे कोड आ रहा है और कोड चेंज भी हो रहा है और डिस्प्ले भी गाइस आ चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वीडियो रिवाइज करके एडिटिंग के टाइम देखना पड़ेगा कि मैं ये कनेक्टर लगाया था कि नहीं। ठीक है, शायद मेरी ही गलती होगा। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना। तो बोर्ड पे सक्सेसफुली डिस्प्ले आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार रिस्टार्ट करके देखता हूँ बोर्ड को। बोर्ड पे डिस्प्ले आ गया। तो गाइज बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट कर रहा है कि भाई रेडी होने के बाद मत दिखाओ। गाइज उन लोग खासकर उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि गाइज हर टाइम ना पूरा का पूरा रॉ वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं मैजिशियन या जादूगर नहीं हुआ, भगवान भी नहीं हूँ कि हर एक बोर्ड मेरे से हो जाएगा। ये मुझ पर मेरे को भी हर बोर्ड पे ना एनालाइज करना होता है कि बोर्ड कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कौन से जगह पे चेक करने पे बोर्ड मतलब सही होगा। मैं देख के बोर्ड ऐसे बता नहीं सकता। हाँ, कभी कभार कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट टाइप का बोर्ड जो है, शॉर्ट जो बोर्ड होता है उसे पता चल जाता है, लेकिन कुछ अलग टाइप का अगर प्रॉब्लम हो, किसी कोडिंग पे रुक रहा है तो उसे एनालाइज करना पड़ता है। कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, कितना कहाँ पे जाने वाला है, सबको एनालाइज करने के बाद मुझे दिखाना पड़ता है। इसीलिए मतलब वक्त इतना लगता है कि मैं रॉ वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो जो बंदे रॉ देखना चाहते थे वह उनके लिए फुल रॉ बना दिया और बीच में वीडियो स्टॉप हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन पे चार्ज नहीं था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगली बार से कोशिश करूँगा कि फुल चार्ज दे के वीडियो बनाऊँ ताकि पूरा का पूरा रॉ वीडियो कहीं से कट ना हो। ठीक है,
ये जो ऑन को ओके ऑफ हो रहा था ये भाई वीआरएम के वजह से तो मुझे लग रहा है कि हो रहा था, क्योंकि मैंने वीआरएम डाला ही नहीं था। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल में बने रहना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला जो आइकन होता है ना, घंटा दबाना मत भूलना, वही आप लोगों का प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलो इसका पावर ऑफ कर देते हैं। तो गाइस कमेंट में बताना अपना हमारा जो देसी शॉर्ट किलर है कैसा लगा और कैसा काम किया, अच्छा लगे तो आप लोग भी बना सकते हो, और इसे कैसे बनाते इसका वीडियो भी पिछले मतलब मेरे चैनल पे है, जाके देख लो। ठीक है।